हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जिसे इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तो कहानी ये है कि कुछ भैंसों के झुंड को नदी पार करनी थी। नदी पार करने के लिए उनको एक लकड़ी की नाव की ज़रूरत थी। उनको किनारे के पास एक लकड़ी की नाव जैसा कुछ दिखा। पहले भैंसे को शक हुआ, उसने कहा, ये मुझे लकड़ी की नाव नहीं, मगरमच्छ की जैसा कुछ लग रहा है। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, लकड़ी ही तो है, अगर यकीन नहीं होता तो चेक करके देख लो। पहले भैंसे ने पत्थर मारा, डंडे से भी मार के देखा, उसके बाद पानी फेंक के देखा और पूरी तसल्ली करने के बाद उसे लगा कि ये कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा ही है। तो पूरी तसल्ली होने के बाद भैंसा जो है वो उस चीज़ को लकड़ी की नाव मानकर उस पर चढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक लकड़ी की नाव नहीं बल्कि एक मगरमच्छ ही है जो उन भैंसों का शिकार करने के लिए बेसब्री से उनका वेट कर रहा था। इसी तरह एक के बाद एक सारे भैंसे उस मगरमच्छ की चाल में फंस गए। बेसिकली इस कहानी में आपको ब्रिटिशर्स की सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोनों का क्रक्स देखने को मिलता है। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ये यकीन दिला दिया था कि ब्रिटिशर्स पर भरोसा किया जा सकता है, और इसीलिए सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करके एक के बाद एक बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी आर्मी को ख़त्म करके किराए पर ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने स्टेट में रख लिया था। मतलब ब्रिटिशर्स पर इतना भरोसा कर लिया कि ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में आ गए और उन पर डिपेंडेंट हो गए। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दिया है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की डिटेल्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का वाइड स्केल इम्प्लीमेंटेशन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तीन तरह के प्रिंसली स्टेट्स मौजूद हैं। पहले हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दूसरे हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स, जो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करके ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तीसरे हैं डिपेंडेंट स्टेट्स, ये वो स्टेट्स हैं जो किसी ना किसी युद्ध में ब्रिटिशर्स से हार गए हैं और यहाँ के नवाब ब्रिटिशर्स के हाथ में मात्र एक कठपुतली ही हैं। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लागू किया उसके दायरे में सिर्फ प्रोटेक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स ही आते थे। होता क्या था कि हमारे यहाँ पे पुराने समय से ही ये चला आ रहा है कि अगर किसी भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा या नवाब की अपनी खुद की कोई संतान नहीं है तो वो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी बच्चे को गोद ले लेते थे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डिपेंडेंट स्टेट्स और प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स के लिए डिफरेंट कंडीशन अप्लाई कर दी थी। डिपेंडेंट स्टेट्स के लिए कंडीशन ये थी कि अगर डिपेंडेंट स्टेट्स के राजा या नवाब किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो गोद लिए हुए बच्चे का अधिकार सिर्फ राजा या नवाब की पर्सनल प्रॉपर्टी पर होगा, उस राज्य पर नहीं। मतलब गोद लिए हुए बच्चे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना कोई टाइटल देगी, ना कोई पेंशन, और ना ही उसे राजा या नवाब मानेगी। और ऐसी सिचुएशन में प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का कब्जा मान लिया जाएगा, मतलब वो प्रिंसली स्टेट अब ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा गया कि अगर एक प्रिंसली स्टेट जो कि एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की कैटेगरी में आता है उसके राजा या नवाब की कोई संतान नहीं होती है तो गोद लिए हुए बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा या नहीं, इसका डिसीजन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, वो भी केस टू केस बेसिस। यानी अगर राजा या नवाब की कोई संतान नहीं है और राज्य एक डिपेंडेंट स्टेट है तो श्योर शॉट उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेगी, और प्रोटेक्टोरेट स्टेट के केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी एनेक्स कर लिया जाएगा। तो अब देखते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर एनेक्स किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे पहला शिकार बना सतारा। सतारा महाराष्ट्र की एक सिटी है जिसे 1674 में एस्टेब्लिश किया गया था छत्रपति शाहूजी के द्वारा, जिसे 1848 में एनेक्स किया गया। जब सतारा को डलहौजी ने एनेक्स किया तब सतारा को रूल कर रहे थे मराठा कॉन्फेडरेसी के राजा शाहजी, जो कि भोसले डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। राजा शाहजी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। इसके बाद 1848 में शाहजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एडॉप्शन में कुछ इररेगुलरिटीज़ को पाया। बेसिकली उन्होंने पाया कि इस एडॉप्शन में कुछ झोलझाल हुआ है, एडॉप्शन को नलीफाई कर दिया और कहा कि ऐसी स्थिति में गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बनाया जा सकता, और इसी के साथ सतारा को एनेक्स कर लिया गया और सतारा को ब्रिटिशर्स की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया।
इसी के एक साल के बाद वर्ष 1849 में बारियाई उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के एक प्रिंसली स्टेट जैतपुर की, और उसी साल उड़ीसा का एक और प्रिंसली स्टेट संभलपुर। इन दोनों स्टेट्स को लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट करके एनेक्स कर लिया था। इसके बाद 1850 में पंजाब के एक छोटे से हिल स्टेशन भगत को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर अपने लपेटे में ले लिया, और 1853 में झांसी और उसके बाद 1854 में नागपुर को भी लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में मिला लिया। 1856 में डलहौजी वापस ब्रिटेन लौट गया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के एनेक्सेशंस और उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर गुस्सा भर दिया था। वापस पहुंचकर लॉर्ड डलहौजी जब अपने इंडियन कारनामों की कहानियां अपने दोस्तों को सुना रहा होगा, उस समय इंडिया में 1857 की क्रांति द रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हो चुका था, जिसके वन ऑफ द मेन रीजंस में से एक लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी माना जाता है। फाइनली 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।